ਪ੍ਰੇਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। एशिया कप 2023 के लिए फाइनली भारत की टीम ने भी अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है और इस स्क्वाड में एक बार फिर से हमें भारत के जो मेजर की प्लेयर्स हैं जैसे कि शिखर धवन, इनके साथ ही भुवनेश्वर कुमार और इवन युजवेंद्र चहल भी ड्रॉप होते हुए नजर आए। जहां एक तरफ शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार को तो लास्ट के काफी टाइम में कंसिडर ही नहीं किया जाता था, वहीं दूसरी तरफ युजवेंद्र चहल को भी अब लगातार तीसरे मेजर टूर्नामेंट से टीम से बाहर कर दिया गया है। इसके बारे में बातचीत करते हुए एशिया कप में शामिल न किए जाने के ऊपर सबसे पहले शिखर धवन का रिएक्शन आ चुका है, जहां पर धवन ने बताया है कि हालांकि वो काफी ज्यादा हर्ट है लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको चांस नहीं दिया जाएगा और उनसे ऊपर शुभमन गिल और ईशान किशन को फ्यूचर में रखकर प्रायोरिटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब मैं एशिया कप में कमेंट्री करने के लिए तैयार हूं और कमेंट्री के थ्रू ही अब वो भारत की टीम को सपोर्ट करेंगे। इनके अलावा युजवेंद्र चहल का रिएक्शन भी आ चुका है, जहां पर चहल भी काफी ज्यादा इस चीज से निराश नजर आ रहे हैं और भुवनेश्वर कुमार को तो ऑलरेडी न्यूजीलैंड की टीम की साइड से खेलने का ऑफर भी आया था, तो ऐसे में वो भी जो कि पिछले टाइम से काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे उनको भी भारत की टीम में मौका नहीं दिया गया। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से शिखर धवन, इनके साथ ही भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल के एक्सक्लूजन के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।